नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, मांगने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मांगने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और बच्चों, आपकी सारी भारी डिमांड थी कि सर आप हरियाणा जीके, इंडिया जीके का तो एक लेक्चर मिल रहा है, एक घंटे का आपको डेली मिलता है, एक हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर दो। तो बच्चों, ये हरियाणा जीके की सीरीज चल ही तो रही है, आपके लिए चलती रहेगी, निरंतरता हम बनाए रखे हैं। आज वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, ये मत पूछना किस एग्जाम में आएंगे, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, लेब अटेंडेंट, फीमेल सुपरवाइजर, या मैं कहूं जिस भी एग्जाम में हरियाणा जीके आती है ना, चाहे एसटेट, एचपीएससी कोई भी हो, उसके लिए ये मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, खालिस्तान नदी को दिल्ली में नजफगढ़ नाला कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जय मां सरस्वती का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। खालिस्तान नदी को दिल्ली में नजफगढ़ नाला कहा जाता है, दिल्ली में नजफगढ़ नाला कहा जाता है। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। जो साहिबी नदी है ना, कौन सी नदी है प्यारे बच्चों, साहिबी नदी है ना, इसको दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है, नजफगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहां से ये बनेगा, साहिबी नदी है ना बच्चों, दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, तो दक्षिण हरियाणा की प्यारे बच्चों प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी, साहिबी नदी हो जाएगी। वो पूछेगा पूर्वी हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, तो पूर्वी हरियाणा की प्रमुख नदी बच्चों यमुना नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी, पूर्वी हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों, यमुना नदी हो जाएगी। वो कहेगा उत्तरी हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, तो उत्तरी हरियाणा की प्रमुख नदी प्यारे बच्चों घग्गर हो जाएगी। यहाँ सारी से क्वेश्चन आते हैं। और साहिबी नदी है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। साहिबी नदी पर ना एक स्थान है रेवाड़ी, कौन सा स्थान है, धारूहेड़ा रेवाड़ी, उसके पास साहिबी नदी पर कौन सा बांध रहेगा प्यारे बच्चों, मसानी बांध रहेगा। कौन सा बांध रहेगा, मसानी बांध रहेगा। तो ये याद कर लेना बच्चों, ये रेवाड़ी में सिंचाई करती है, और पटौदी गुरुग्राम में ना यहाँ से मतलब ये आगे होते हुए कहाँ पर जाती है, ये लास्ट में अंतिम में ना नजफगढ़ नाले में जाकर गिर जाती है। नजफगढ़ झील बोलते हैं वैसे तो, वैसे ये है ना एक गंदा नाला है। और बच्चों, दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी आपसे पक्की पूछी जाएगी, कौन सी रहेगी, साहिबी। और ये भी आ सकता है, यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती, आ चुका है पूर्वी सीमा पर। और उत्तर हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी रहेगी, घग्गर। और घग्गर कहाँ से प्रवेश करती है प्यारे बच्चों, कालका से प्रवेश करती है। कालका कहां पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। एक बार आया था काली माई का मेला कहां पर लगता है, तो काली माई का मंदिर या काली माई का मेला कहां पर लगता है प्यारे बच्चों, कालका पंचकुला में लगता है। यहां से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ये याद रख लेना। आगे बच्चों, क्वेश्चन ये आया हुआ था सबसे, हरियाणा वन विभाग ने खालिस्तान में इको टूरिज्म स्पॉट निर्माण स्थापित है। इको टूरिज्म, हरियाणा वन विभाग ने खालिस्तान में इको टूरिज्म स्थापित किया है। तो टूरिज्म या इको पार्क आई ना, ये कहाँ पर स्थापित किया है प्यारे बच्चों, कलेसर में स्थापित किया है। ये अभी पीछे एग्जाम हुआ था ना, ये आर्ट एंड क्राफ्ट वाला था शायद, उसमें क्वेश्चन आया था। हरियाणा वन विभाग ने खालिस्तान में इको टूरिज्म या इको पार्क स्थापित किया है, कलेसर। तो बच्चों, कलेसर है ना, कलेसर, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला, 2003 में कलेसर को नेशनल पार्क का दर्जा मिला। और कलेसर क्या है बच्चों, नेशनल पार्क के साथ साथ क्या है, वाइल्ड लाइन सेंचुरी भी रहेगा कलेसर। और बच्चों, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कलेसर है ना, ये पेपर में आता है, किसके ब्रिक्स के लिए जाना जाता है, तो ये साल के ब्रिक्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कौन से ब्रिक्स पाए जाते हैं, साल के ब्रिक्स पाए जाते हैं यहाँ पर, लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है, लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। और ये पूछा जाता है, आगामी एग्जाम में आ सकता है, यहाँ पर चितकबरी बिल्ली भी पाई जाती है। कौन सी बिल्ली पाई जाती है, चितकबरी बिल्ली भी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन है ना, कलेसर नेशनल पार्क से आपसे पूछे जाएंगे। और इसका नाम कलेसर क्यों पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर ना
कालेश्वर महादेव मठ मंदिर है। कालेश्वर महादेव मठ मंदिर होने के कारण इसका नाम कालेश्वर पड़ गया था। एक बार आया था कालेश्वर महादेव मठ है मंदिर किस नेशनल पार्क के पास से है? कालेश्वर और कालेश्वर नेशनल पार्क के पास से ही एक बार आया था। यमुना नदी हरियाणा में किस नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है? तो कालेश्वर नेशनल पार्क के पास से प्यारे बच्चों यमुना नदी हरियाणा में क्या करती है? प्रवेश करती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा आगामी एग्जाम में, थोड़ा देखना यहाँ से। और बच्चों वैसे तो आपको फ्री क्लासे मिल रही है, और एक मैं बता देता हूँ बच्चों, आज के लिए और सिर्फ आज और कल के लिए ना, जो हरियाणा ग्राम सचिव का है ना, अभी डेट दी गई है कि ग्राम सचिव का फरवरी के लास्ट में होगा, फरवरी में नहीं तो मार्च में पक्का होगा। तो ये रिकॉर्डेड बैच है 249 रुपए का आज और कल के लिए, अच्छा लगे तो देख लेना। मैं नंबर दे देता हूँ 98210 98210 661। ये नंबर लिख लो बच्चों, लेना हो तो लो अदरवाइज मत लेना। 7478 400 047 एक नंबर है 90178 95 95 0। इस पर बच्चों हरियाणा पुलिस का जो बैच है ना, लाइव बैच चल रहा है, वो 599 का है। फिर बच्चों इन दोनों की फी है ना डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्निकल टीम का जो खर्चा है ना वो ज्यादा हो रहा है। प्रदीप सर तो वैसे फ्री पढ़ा सकते हैं, लेकिन टेक्निकल टीम को तो पे करने होते हैं ना, ये नोट्स वगैरह में लगी होती है, तो सभी के लिए। तो बच्चों ये देख लेना आज और कल के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये भी ऑफर एक बार बंद कर दिया था बच्चों ने, जो एग्जाम डेट अभी आई थी ना मार्च अप्रैल मई में है, तो बच्चों ने डिमांड की सर 2 दिन, तो ये देख लेना अच्छा लगे तो। मैं तो ये कहता हूँ आपको, जहां से अच्छा मर्जी कोर्स लगे ले लो, लेकिन हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों पढ़ लो, क्योंकि दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछेगी। आगे आता है जो ये संपोर्ट इंपोर्टेंट है हरियाणा, ये आया था अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन खालिस्तान साल में हुआ था। हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन, हरियाणा अध्ययन पत्रिका का, हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1969 में हुआ था। और हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। और कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? धर्म क्षेत्र कहा गया है। गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहा गया। ये भी क्वेश्चन आ गया, किसके पहले श्लोक में? गीता के श्लोक में ना कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया था। कुरुक्षेत्र को ना बाण भट्ट ने क्या कहा था? श्रीकंठ जनपद कहा था। और कुरुक्षेत्र बाण भट्ट ने ना प्यारे बच्चों हरियाणा को भी क्या कहा था? बाण भट्ट ने ना हरियाणा को भी ना श्रीकंठ जनपद कहकर संबोधित किया था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और कुरुक्षेत्र को ना यहाँ हरियाणा में सबसे ज्यादा 365+ क्या रहेंगे? तीर्थ स्थल रहेंगे। तो हरियाणा का तीर्थ राज पूछे ना, तो हरियाणा का तीर्थ राज भी प्यारे बच्चों किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। या वो पूछ लेगा ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। क्यों पूछेगा? क्योंकि अलबेरुनी ने एक पुस्तक लिखी थी ताकीद ए हिंद, अलबेरुनी ने पुस्तक लिखी थी प्यारे बच्चों ताकीद ए हिंद, उसमें हरियाणा के किस सरोवर का वर्णन किया था? ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया था। और बच्चों यहाँ ये पूछ लेगा आपको सनहित सरोवर कहाँ पर है? सनहित सरोवर भी कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर प्यारे बच्चों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का क्या माना जाता है? वास माना जाता है। और यहाँ पर 7 सरस्वती नदियों का क्या माना जाता है? संगम। और यहाँ पर एक बिड़ला मंदिर भी है जहां पर गीता के क्या लिखे हुए हैं? श्लोक लिखे हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बच्चों लाजमी आएगा डिटेल में। अब मैं कहता हूँ ना 200+ क्वेश्चन है, बच्चे कहते हैं सर 200 तो नहीं है, एक क्वेश्चन में से हमने ना 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए है। और जीके बच्चों जितनी ज्यादा डिटेल में जाओगे ना उतना ही फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ये पूछा गया था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, योद्धे वंश की स्थापना योद्धे ने की थी जिसका उल्लेख द्रोण पर्व में है, खालिस्तान में मिलता है। योद्धे एक योद्धे गणराज्य था, योद्धे गणराज्य की स्थापना किसने की थी? योद्धे ने की थी, योद्धे ने की थी।
और योद्धों का इसका वर्णन किस पर्व में मिलता है? द्रोण पर्व में मिलता है। और द्रोण पर्व बच्चों कहां पर रहेगा? महाभारत में रहेगा। तो कहां पर रहेगा? महाभारत में। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया? 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और महाभारत का वर्णन है ना धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? महाभारत का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने। और इसमें कौन सा उपदेश दिया गया है? गीता का उपदेश किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने किसको दिया था? अर्जुन जी को दिया था। और इसमें क्या करने की सलाह दी थी? कर्म करने की सलाह दी थी। और ये कपिध्वज किसे कहा जाता है? अर्जुन को, क्योंकि भगवान जो अर्जुन का रथ था उस पर किसकी फोटो थी? हनुमान जी की फोटो थी। कपिध्वज अर्जुन को कहा जाता है। और अर्जुन को भगवान शिव ने कौन सा शस्त्र गिफ्ट किया था? पाशुपत शस्त्र गिफ्ट किया था। और महाभारत का युद्ध महाभारत किस में डिवाइडेड है? पर्वों में। महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। 13वें दिन कौन मारे गए? अभिमन्यु मारे गए। और अभिमन्यु कहाँ पर मारे गए? अभिमन्यु पूर्व गए एक अमीन गाँव में मारे गए। और अमीन गाँव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अभिमन्युपुर कर दिया गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों महाभारत से रिलेटेड आते हैं। आपको आप अच्छे इंटेलिजेंट हो, ये सारे प्रश्न मेरे को पता है, मेरे प्यारे बच्चों को ऑलरेडी आते होंगे। क्यों आते होंगे? क्योंकि एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैं एक ही बात कहूंगा बच्चों, जो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, अगर वो दोबारा एग्जाम में आता है और वो गलत हो जाता है तो इसमें गलती एग्जामिनर की नहीं है, हमारी है। जैसे एक इतिहासकार ने कहा था, गरीब पैदा होना गुना नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हो ना तो इसमें सबसे बड़ा गुना आपका है। तो आप मेहनत करो, मेहनत का ना फल जरूर मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये आगे हमें ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट। ये लाल धूप एक हिंदी उपन्यास है, किसने लिखा था? तो लाल धूप है ना अमृत लाल मदान ने लिखा था। लाल धूप एक उपन्यास है, किसने लिखा था? अमृत लाल मदान ने लिखा था। अमृत लाल मदान का उपन्यास होता था। उसी प्रकार ना आपसे पूछ लेगा झाड़ू फिरी, ये तो सर ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहे हो? राजा राम शास्त्री का, क्योंकि है ना अब राजा राम शास्त्री ने लिखा था। अब नए बच्चे है ना तो उनको जो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू फिरी का ना एक और पूछा जाएगा ईख की खेती, क्योंकि ईख की खेती भी किसका था प्यारे बच्चों? राजा राम शास्त्री का था। किसका था? राजा राम शास्त्री का। कौन सा होता था? ईख की खेती होता था। इसी प्रकार ना अल बेरूनी की रचना पूछी जाती है, अल बेरूनी की कौन सी होती थी? ताकीद ए हिंद होती थी। रचनाओं से क्वेश्चन आता है, जैसे चंद्रवरदाई की कौन सी होती थी गुरुजी? पृथ्वीराज रासो होती थी। पृथ्वीराज रासो किसकी होती थी? चंद्रवरदाई की होती थी। और पूछ लेगा संत सूरदास की कौन सी होती थी? तो संत सूरदास की प्यारे बच्चों सूर सागर होती थी। सूर सारावल्ली होती थी। साहित्य लेरी होती थी। उसी प्रकार पूछ लेगा बच्चों मजलिस उल निशा किसकी होती थी। और यहाँ पूछ लेगा तिरिया के मजुमम किसकी होती थी? यहाँ पूछ लेगा बच्चों आप सबसे इम्पोर्टेंट है यादगार एक गालिब किसकी होती थी? यहाँ पूछ लेगा प्यारे बच्चों सफरनामा किसकी होती थी? ये सारी की सारी किसकी होती थी? आलताप हुसैन हाली की होती थी। किसकी होती थी प्यारे बच्चों? आलताप हुसैन हाली की होती थी। इन रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम में ना बहुत बार क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन रचनाओं से आए हुए, रचनाओं पर आधारित मैंने वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। एक आया था बच्चों मुख्यमंत्री परिवार निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री परिवार निधि योजना 25 फरवरी 2019 को किसकी योजना की शुरुआत हुई थी? मुख्यमंत्री परिवार निधि योजना की शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री परिवार निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मुख्यमंत्री परिवार निधि योजना की शुरुआत प्यारे बच्चों 25 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री परिवार निधि योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आगामी एग्जाम में, खालिस्तान हरियाणा की महिलाओं का एक पारंपरिक वेशभूषा है जिसे विवाह में दुल्हन को उपहार के रूप में दिया जाता है। तो
विवाह में दुल्हन को उपहार के रूप में डिमोच दिया जाता है। विवाह में दुल्हन को उपहार के रूप में, उपहार के रूप में क्या दिया जाता है? तो विवाह में दुल्हन को उपहार के रूप में बच्चों डिमाच दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिमाच दिया जाता है। और बच्चों ये डिमाच तब दिया जाएगा आपकी तरफ से जब जॉब लग जाओगे, अदरवाइज इस डिमाच के सपने लेने छोड़ दो। वही बात है, गुरु जी शादी हुई है, बोले गुरु जी शादी तो नहीं हुई, फेरे होते हुए देखे हैं। जो बच्चा आज अगर इस वैलेंटाइन वीक को मना रहा है ना, टेडी डे, चॉकलेट डे, फला डे, तो बच्चों वो है ना भविष्य में कभी है ना, मतलब वैलेंटाइन डे बनाने वाली से, उसके साथ मनाने वाली से शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके घर वाले तो शादी उसकी तो कहीं और कर देंगे ना। तो थोड़ा सा ना ध्यान दे लो इन चीजों पर, ठीक है? तो इन चीजों में ना एक बार थोड़ा सा साइड में रख दोगे ना, तो जॉब लगने के बाद जाए कुछ मर्जी करना यार, किसने मना किया है, ठीक है? तो मतलब अब थोड़ा सा ना वो बातें मत रखो कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अब दिल बहलाना नहीं है, दिल लगाना है कहीं और नहीं, किताबों से दिल लगाना है। किताबों से दिल लगाओगे ना, अगर वे वफा भी हुई ना तो भी सफलता दिला देगी। तो किताबों से दिल लगाओगे ना, मजा आएगा, ठीक है? तो आगे क्वेश्चन ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन आया था आगे, बड़ा ही बेहतरीन है। हरियाणवी चौपड़ किसने लिखी थी? गुलाम कादिर ने हरियाणवी चौपड़, हरियाणवी चौपड़ किसने लिखी थी? तो हरियाणवी चौपड़ बच्चों गुलाम कादिर ने लिखी थी। गुलाम कादिर की रचना कौन सी होती थी? तो गुलाम कादिर की रचना हरियाणवी चौपड़ होती थी। आगामी एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है, गुलाम कादिर की रचना कौन सी होती थी, हरियाणवी चौपड़ किसकी रचना होती थी? गुलाम कादिर की रचना होती थी। आगे ये क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा नृत्य कृषि लोक नृत्य से संबंधित है और वसंत ऋतु में किया जाता है? कृषि से संबंधित है और वसंत ऋतु में फाग नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य कृषि से संबंधित है और वसंत ऋतु में किया जाता है? वसंत ऋतु में किया जाने वाला नृत्य कौन सा रहेगा? फाग नृत्य। और फाग नृत्य प्यारे बच्चों किस महीने में आता है? फाल्गुन के महीने में आता है। और एचएसएससी मानती है कौन सा ऐसा नृत्य है जो पूरा एक महीने चलता है? तो फाग नृत्य प्यारे बच्चों पूरा एक महीना चलता है। हम तो होली के अगले दिन फाग मनाते हैं, लेकिन रियल में फाग नृत्य बच्चों पूरा एक महीने चलता है। एग्जाम में ना इसी आधार पर क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आए ना मेरे प्यारे बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? वही बात है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? आगे ये क्वेश्चन आया था बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेदिक दृश्यवती नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा पुरातात्विक स्थल है? तो दृश्यवती नदी के दाहिने किनारे पर प्यारे बच्चों कौन सा रहेगा? राखीगढ़ी रहेगा गुरु जी। राखीगढ़ी कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा। तो यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया ना सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो बच्चों राखीगढ़ी होता था। अभी वर्तमान में धोलावीरा हो गया, वहां से खेल स्टेडियम मिल चुका है। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, सिंधु सभ्यता का हरियाणा में खोजा गया सबसे पुराना स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का हरियाणा में खोजा गया सबसे पुराना स्थल बीडाणा है। और वो पूछ लेगा सिंधु सभ्यता से भी या हड़प्पा सभ्यता से पुरानी सभ्यता का स्थल हरियाणा में कहां पर रहेगा? कुणाल में रहेगा। कहां पर है गुरुजी कुणाल, बता दो ना। तो ये बच्चों फतेहाबाद में रहेगा। गुरुजी कुणाल ऐसी क्या बात है जो आप बता रहे हो? यहाँ पर दो राजशाही मुकुट मिले थे बच्चों, राजा का मुकुट, दो राजशाही मुकुट मिले थे वो। यहाँ पूछ लेगा कहाँ से दो राजशाही मुकुट मिले थे प्यारे बच्चों? कुणाल फतेहाबाद से क्या मिले थे? एक भी मुकुट नहीं मिला था, दो मुकुट मिले थे, दो राजशाही यानी राजा के मुकुट मिले थे। ये हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता की क्या है? आभूषण रहेंगे प्यारे बच्चों। आगामी एग्जाम में ये भी पूछा गया था बच्चों, बूजनी आभूषण हरियाणा में महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? बूजनी कान में पहना जाने वाला आभूषण है। बूजनी जो हमारी दादी और नानी वगैरह पहनती है ना, कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण रहेगा प्यारे बच्चों? कान में पहना जाने वाला आभूषण रहेगा। तो इस हिसाब से एचएसएससी है ना शब्दों से खेल करना मतलब हेरा फेरी कर जाएगी मेरे बच्चों को ना, मतलब पास सुदर्शन चक्कर होना चाहिए। और कोई भी कितना भी मतलब कठिन क्वेश्चन हो आप सुदर्शन चक्कर फेंक देना, क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है जो आपको मंजिल तक पाने से रोक ले। तो बच्चों पढ़ना है,
पढ़ोगे ना तो जीत जाओगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। हरियाणा का कौन सा त्योहार सिख समुदाय द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है? तो लोहड़ी, से लोहड़ी त्योहार हरि सिख समुदाय द्वारा, सिख समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा रहेगा बच्चों? लोहड़ी त्योहार रहेगा। कौन सा त्योहार रहेगा? लोहड़ी त्योहार है ना, किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है प्यारे बच्चों? सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और हरियाणा में ना 13 अप्रैल को क्या होती है बच्चों? बैसाखी होती है। कौन सा पर्व होता है? बैसाखी कब होता है? 13 अप्रैल को कौन सा पर्व होता है प्यारे बच्चों? बैसाखी होता है। कौन सा पर्व होता है? बैसाखी होता है। और बैसाखी वाले दिन ही कौन सा हत्याकांड हुआ था प्यारे बच्चों? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहां पर ना हजारों की संख्या में निहत्ते लोग मारे गए थे। तो बच्चों ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करता हूँ जो मतलब आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। देख लेना आज और कल के लिए। हरियाणा पुलिस का लाइव बैच 599 रुपए का है और ग्राम सचिव का रिकॉर्डेड 249 का है, और बाद में मजबूरन बच्चों कल के बाद इसकी फीस बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा लगे तो देख लेना, ना भी देखोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 क्लास है आपको मिलती रहेगी जीके भाई प्रदीप सर पर। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।